हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट पेट एट केटल में। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा भी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि PPS रोग के बारे में। PPS रोग क्या होता है? पास्ट पोर्चुरम हीमोग्लोबिनेरिया, यानी पशुओं में हीमोग्लोबिन टूट जाने से ये रोग होता है PPS। ये रोग क्या है? ये एक मेटाबॉलिक रोग है जिसमें रक्त का हीमोग्लोबिन टूट जाने या नष्ट होने से ये गुर्दे के रास्ते से होता हुआ मूत्र में आ जाता है। प्रायः स्वस्थ व अधिक दूध देने वाली गाय व भैंसों के ब्याने के बाद 2 से 4 सप्ताह के दौरान होता है। भारत में ये रोग भैंसों में सबसे अधिक पाया जाता है। अब इसका लॉजिक क्या है? ब्याने के बाद ये रोग शरीर में फास्फोरस तत्व की कमी के कारण होता है। तब फास्फोरस की कमी निम्न कारणों से हो सकती है, यानी ये जो PPS रोग होता है पास्ट पोर्चुरम हीमोग्लोबिनेरिया, ये विशेष रूप से पशुओं में फास्फोरस तत्व की कमी की वजह से होता है। ये फास्फोरस तत्व की कमी हमारे पशुओं में किन की वजह से होती है? जैसे बंद गोभी है, सलजम आदि जैसे आहार को अधिक खिलाने से। जिस क्षेत्र में फास्फोरस की कमी है वहाँ के पशुओं में भी फास्फोरस की कमी होती है। और जहाँ बार बार अकाल पड़ने से भी चारे में फास्फोरस की कमी होती है, या जहाँ पर सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ क्षेत्र में भी फास्फोरस की कमी होती है। ब्याने के बाद कोलेस्ट्रॉल में दूध के साथ अधिक मात्रा में फास्फोरस निकलने से भी शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्याने के बाद 2 से 4 माह के दौरान एकाएक मूत्र का रंग लाल हो जाता है और पशु को कम भूख लगती है। काफ़ी सुस्त व निडाल सा होना व कमजोरी व जुगाली बंद कर देता है, यानी जुगाली बंद कर देता है। और मूत्र में हीमोग्लोबिन आने से मूत्र का रंग हल्का भूरा या लाल हो जाता है, यानी उसका मूत्र का रंग क्या होता है, जब भी वो मूत्र करता है वो मूत्र का रंग लाल हो जाता है। और जहाँ पर भी वो मूत्र करता है उस मिट्टी का रंग भी लाल हो जाता है। और दूध में जो दुधारू पशु उसमें अचानक एकाएक दूध में भारी गिरावट आ जाती है और उसका टेम्परेचर है वो भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। टेम्परेचर यानी 102.5 से भी नॉर्मल हो जाता है। डिहाइड्रेशन यानी उसमें पानी, शरीर में पानी की कमी आ जाती है और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो हल्की पीली हो जाती है, यानी हमें ऐसा लगता है जैसे पीलिया हो गया हो। श्वास की गति व हृदय की गति बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन व के कारण गोबर कमता मींगने के रूप में करता है। शरीर के आखिरी भाग हैं जैसे कान है, पूँछ है, टांग है, दांत है, ये क्या पड़ जाते हैं, इसके ठंडे पड़ जाते हैं। और पूंछ का जो आधार भाग होता है पीछे से ऊपर की ओर उठी रहती है। अब इसके डायग्नोस्टिक हम किस प्रकार करते हैं? तो इसका डायग्नोस्टिक हम लक्षणों के आधार पर करते हैं और पशु के आधार पर जांच पर करते हैं। और जब हमारे पशुओं का मूत्र का रंग लाल होता है तो हम इस रोग की जांच कर लेते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यदि पशुओं के ब्लड की अधिक मात्रा में कमी होती है तो हम बाहर से रक्त को पशुओं को दिया जाना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि एक पाउडर सोडियम एसिड फास्फेट होता है, उस पाउडर को क्या करते हैं कि पाउडर को 80 ग्राम की 400 ml की नॉर्मल सेलाइन में घोल लेते हैं। इसमें क्या है कि 400 ग्राम में जो नॉर्मल सेलाइन है उसमें सोडियम एसिड पाउडर घोल लेते हैं, सोडियम एसिड फास्फेट, और धीरे धीरे IV चढ़ाते हैं। और यदि इंजेक्शन के रूप में यूज में लें तो हम इसमें यूरिमिन जो सोडियम एसिड फास्फेट आता है वो इंजेक्शन लगाते हैं 15 से 20 ml लगातार 4 दिन। और उसमें हम टोनोफोस भी लगा सकते हैं इंजेक्शन 15 से 20 ml 4 दिन। और हमें नॉर्मल सेनाइल लगाना है उसमें ये इंजेक्शन लगाने हैं। और इसमें इंजेक्शन हम बेलामाइल यानी वो इंजेक्शन यूज़ में लें जिसमें बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रेट हो, जैसे बेलामाइल है, ये इंजेक्शन हम यूज़ में ले सकते हैं। और उसे देने के लिए जैसे फास्फोरस के लिए आता है सोडाफोस पाउडर, ये सोडाफोस पाउडर हमें 50 ग्राम लगातार हम 10 से 15 दिन देंगे तो हमारे पशु के अंदर क्या है कि जो फास्फोरस की कमी है वो दूर हो जाएगी और उसके मूत्र का रंग भी साफ हो जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।